ये लॉबी है इसकी, और ये एंट्रेंस के साथ कुछ गाड़ियां यहाँ पे खड़ी होंगी और कुछ नीचे। हाँ सो यह फ्लैट के अंदर एंटर हो रहा है, और ये फ्लैट का एक लाउंज हो गया। लाउंज के साथ ही इन्होंने जो है वो दिया हुआ है किचन, ठीक है। ये आप लोग किचन देख लें इसका। ये बेसिकली 2 बाई DD का फ्लैट है, और ये फॉर रेंट है अंडर रूफ स्काई टावर ब्लॉक M नॉर्थ नाजामाबाद में। ये हो गया इसका ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम की एंट्रेंस जो है वो इन्होंने दे दी सेपरेट बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ से गेस्ट वगैरह के लिए सेपरेट हो गई। दो लिफ्टें हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, और ब्रांड न्यू फ्लैट है, ठीक है। ये इसका रूम देख लें आप लोग, ठीक है। रूम साइज सही है इनके, अच्छा है। और ये इस रूम का मैं आपको दिखा देता हूँ वॉशरूम, ठीक है। वॉशरूम देख लीजिए इसका, ब्रांड न्यू फ्लैट है ये। और इसका जो रेंट है वो है 45,000 विथ मेंटेनेंस, ठीक है। 45,000 विथ मेंटेनेंस की डिमांड कर रहे हैं ये। और ये हो गया इसका दूसरा रूम। इसका साइज का भी आप लोग आइडिया लगा लो, ठीक है। सही है रूम साइज इसके भी, अप्रॉक्सीमेट 10 बाय 12 का रूम है। और ये हो गया इसका दूसरे का वॉशरूम, ठीक है। ये हो गया इसका टेरेस। टेरेस ये बैक साइड का फ्लैट है, और ये ब्लॉक M है, मतीन फूड्स ब्लॉक M में आप लोगों ने देखा होगा। मतीन फूड्स की बिल्कुल बैक साइड पर है ये, ठीक है। 2 बाय DD है, और दोनों वॉशरूम्स दोनों रूम्स आपको दिखा चुका हूँ मैं। अब इसकी लॉबी आपको दिखाता हूँ, और इसका लाउंज थोड़ा सा छोटा कर दिया उन्होंने। और ड्राइंग रूम का साइज देख लें, ड्राइंग रूम भी सही है। अप्रॉक्सीमेट ये होगा कोई 850 स्क्वायर फुट का। ये होगी इसकी लिफ्ट है, और ये हो गया इसका लाउंज, ठीक है। 2 बाय DD का अपार्टमेंट है ये, और इसके अंदर लिफ्ट लिफ्टें जो है वो दो हैं। और मैं इसका आपको भी पार्किंग भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसकी ये पार्किंग जो है वो बेसमेंट है, और बेसमेंट में सिर्फ बाइक्स की पार्किंग रखी है इन्होंने, ठीक है। और इतनी ही बड़ी पार्किंग जो है वो P1 P2 पे है, इसके अंदर गाड़ियों की पार्किंग है, ठीक है। ओके, कोई और क्वेरी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जजाक अल्लाह।